डियर स्टूडेंट्स, आज हम कप बनाना सीखेंगे। जैसे पिछली बार हमने जग बनाया था तो उसके लिए हम एक रेक्टेंगल बुक ली थी जिसकी लंबाई ज्यादा थी और चौड़ाई कम थी। आज कप बनाने के लिए एक बिल्कुल स्क्वायर साइज में बुक लेंगे या स्केल का प्रयोग करेंगे। हम 10 सेंटीमीटर लेंगे कॉपी में बनाने के लिए, ड्राइंग की कॉपी में बनाने के लिए। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इंच में दिखाऊंगा। जैसे हमने सबसे पहले ये लिया, इतना ही इधर, ये हमारा स्क्वायर बन गया। अब इसका हर साइड का हाफ करेंगे। जैसे ये 10 लेंगे तो हाफ 5 पे आएगा। अब यहां मैं रफ हाफ ले लेता हूं। अब जो ये हाफ लिया, अब जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसका भी हाफ करेंगे और इधर भी हाफ करेंगे। अब जो ये नीचे वाली साइड है इसका भी, अब इसके बाद ये जो हाफ है इस हाफ से गोलाई में मिलाना है ऐसे, और ऐसे ही इधर से मिलाना है ये। अब यहां एक सी इधर और एक सी इधर, इसको सर्कल करना है। इधर से ये, अब जो हमारे पास फालतू साइड है उसे हटा दें ऐसे करके। और जो ये हाफ था इसे थोड़ा सा इधर तिरछा और थोड़ा सा ऐसे ये। इस बीच को भी मिटा देंगे अब इसका हैंडल बनाना है अपनी पसंद का। और यहां से ये कप तैयार हो गया है। अब इसमें यदि चाहें तो कोई फूल भी का डिजाइन बना सकते हैं, या ऐसा ही रखना है तो ऐसे ही रख सकते हैं। अब इसमें हम कलर करेंगे। अब इसमें रंग भरने के लिए आप यदि स्केच का प्रयोग कर रहे हैं तो एक साइड से प्रयोग शुरू करें, और यदि पेंसिल कलर करते हैं तो इसमें पूरे में एक ही कलर का प्रयोग करें। नीचे बेस के लिए कोई दूसरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं, और ऊपर के कलर के लिए यहाँ
इसमें चाय चाय का कलर भी कर सकते हैं, ऊपर थोड़ा सा उसका गरम चाय का भाप भी दिखा सकते हैं। और यदि पेंसिल कलर करते हैं तो कलर कर बहुत लाइटली कलर करना है, और उसके बाद रुई लेके उस पर हल्के से करें जैसे मैंने इस पे किया है, जैसे ये रंग है ऐसे। अब इसको हल्के से हाथ से या रुई लेके करेंगे तो ये ऐसा कलर बन जाए और गंदा नहीं लगेगा। तो अब जैसे कॉपी पे बनाना है तो 10 सेंटीमीटर स्केल से 10 बाई 10 का बॉक्स बनाएंगे, 10 सेंटीमीटर इधर 10 सेंटीमीटर इधर ऐसे करके, और जैसा बताया एक बार फिर देख लें, 10 सेंटीमीटर इधर 10 इधर 10 इधर 10 इधर। आवश्यक नहीं कि 10 ही सेंटीमीटर लें, कम ज्यादा भी कर सकते हैं कि वो कप लगे। उसके बाद यहां 5 पे निशान, 5 पे निशान, 5 पे, 5 पे। अब जो ये निचला पोर्शन है इस 5 का हाफ करेंगे, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 ऐसे। बस अब इसे हल्के से सी टाइप में घुमाना है, अगर जो ना घुमा सके तो पहले इसे स्केल से ऐसे मिला दें हल्का सा, और फिर इसके ऊपर एक सी बना दें ऐसे। ऐसे ही इधर करें, पहले स्केल से हल्का कर दें और फिर एक हल्का सा ये सी, बाद में इसे हटा दें। फिर इस निचले पोर्शन को मिलाएं और यहाँ हल्का सा, चाहे तो सीधा रख के भी बना सकते हैं ऐसे। अब ऊपर का ये पोर्शन बनाने के लिए जो ऐसे ना खींच पाए वे बच्चे यहां सेंटर में एक हल्की सी लाइन ऐसे खींच दें और इधर से इसको मिलाएं, इधर से इसको ऐसे ही इसको, और फिर यहां से इसको। हैंडल बनाना आसान है, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है। यहां जरा शुरुआत चौड़ी रखें, धीरे धीरे उसे कम, ऐसे ही नीचे चौड़ा रखें। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इसे बनाने की प्रैक्टिस करें।